जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि मैक्सिमम टीचर जो कि रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपस में एकजुटता अपना दिखाते हुए छात्र हित में कई सारे कदम उठाने जा रहे हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में तीन चार मुख्य पॉइंट है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, और आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। और वैसे आपको पता भी होगा कि 19 दिसंबर को 11 बजे से एक महा ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, जो कि कई मुद्दे उसमें रहेंगे, लेकिन एक मुख्य मुद्दा होगा कि नई वैकेंसी के बारे में। तो नई वैकेंसी के बारे में तो हमारा एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना उचित समझेंगे। कि जैसे रेलवे न्यू वैकेंसी दो, हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी दो, ये हमारा हैशटैग है 19 तारीख को जो महा ट्विटर कैंपेन होगा। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर दो भागों में हम रेलवे की वैकेंसी को बांट दें, एक टेक्निकल वैकेंसी, दूसरा नॉन टेक वैकेंसी, तो दोनों के परिपेक्ष में आप देखेंगे कि टेक्निकल वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दी जाती है एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी दी जाती है। उसके बाद फिर आपका रेलवे में जेई पोस्ट का होता है, एसएससी का होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। और नॉन टेक वैकेंसी की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी की होती है, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं और भी कई तरह के वैकेंसी हैं। तो मुख्यतया आप देख रहे होंगे कि 4 साल प्लस होने को चला, क्योंकि अब 2023 में आप क्रॉस कीजिएगा। अगर टेक्निकल वैकेंसी की हम बात करें, अगर एलपी टेक्नीशियन की हम बात करें, तो इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके पहले के इतिहास पर भी आप जाइएगा तो पहले क्या होता था कि 1 साल पे वैकेंसी देती थी, बीच में हो गया 2 साल पे वैकेंसी देने लगी, फिर हुआ 3 साल पे वैकेंसी देने लगी, और अब देखिए कि आपको 4 साल क्रॉस करने को चला। अब 2023 में हम लोग क्रॉस करेंगे, पहुंचेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एज भी स्टूडेंट का बैठा हुआ नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि कितना पेशेंस स्टूडेंट रखे। अगर जो स्टूडेंट आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, अगर इस तरीके का चलता रहा वैकेंसी का दौर, तो एक स्टूडेंट को कितने बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एक बार अटेम्प्ट लेंगे, पता चला कि नहीं हुआ, तो फिर पता चलेगा कि अगले 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, 10 साल में 2 बार वैकेंसी आएगी। तो इतना किसके पास साहस है, किसके पास इतना धैर्य है कि इतने दिनों तक वो वेट करेंगे। तो इसलिए वैकेंसी, नई वैकेंसी कब तक गवर्नमेंट को देनी चाहिए, देना है, और इतना लेट क्यों, इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा प्रमुख मुद्दा है एग्जाम कैलेंडर का। जब आपका एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है, यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है, और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लगभग हर स्टेट में देखेंगे कि अब एग्जाम का शेड्यूल बना दिया गया है, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, तो इसका एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं। आप कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन रेगुलरिटी इसको मेंटेन कीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे जिस तरीके से ग्रुप डी का रिजल्ट दे दिया जाना चाहिए था, फिजिकल का डेट दे दिया गया, ये मानते हैं कि रेलवे इस बात को, जब थोड़ा सा प्रेशर रेलवे पे पड़ी, तो वो क्लियर कर दिया कि 24 दिसंबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे 24 दिसंबर तक। तो निश्चित मानिए 24 दिसंबर तक जारी कर देगी, लेकिन फिर भी इतना विलंब हुआ, पीटी के लिए बच्चों को बहुत कम समय मिल पाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दा है, ये सब तो चलेगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सबसे गंभीर मुद्दा जो है कि जो वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, ये बहुत अहम कड़ी है। आप ग्रुप डी में जो वेटिंग समाप्त किया है, आप देखेंगे कि इसका परिणाम तुरंत आपको नहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन रेलवे में जनरली आप इसके इतिहास पर जाएं, ग्रुप डी के इतिहास पर जाएं, तो आप पाएंगे कि 6 महीने से साल भर के अंदर में 30-40% बच्चे रेलवे ग्रुप डी का जॉब छोड़ते हैं। उसके पीछे कारण बहुत सारा है। एक तो ये अभी 4 साल का गैप हुआ है, इस बीच में ये स्टूडेंट अलग अलग कई सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, कई सारे मेंस हुआ है,
कई सारे का बीच में फाइनल रिजल्ट आ गया, कई सारे रिजल्ट अभी आना बाकी है। एक तो मुख्य कारण यह है कि क्योंकि जिसका भी ग्रुप सी में हो जाएगा वो ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करेगा। इसके अलावे आप देखेंगे कि जॉब का जो इसका नेचर है, जॉब इसका इतना टफ है कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की लालसा में चले तो जाते हैं, लेकिन जब वो 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जॉब करते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, ये हमसे जॉब नहीं हो पाएगा, हमको बाद में उनको छोड़ना पड़ता है, वो जॉब क्विट करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 30 से 40% जनरली सीट वैकेंट होता है, और 30 से 40% सीट वैकेंट होने का मतलब है कि 1,03,000 वैकेंसियां हैं, तो करीब 30 से 40 हजार सीट वैकेंट हो जाएगी और इसको गवर्नमेंट नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये 30 से 40 हजार जो वैकेंसी का लॉस हुआ, अगर वेटिंग दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का उद्धार होता, 30-40 हजार बच्चों का उद्धार होता। तो इसके बारे में रेलवे को गंभीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एक प्रमुख मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेकर के है। अभी आप देखेंगे कि कोरोना के कारण जो बीच में वैकेंसियां नहीं आई, एक कारण ये भी वैकेंसी का आप दे सकते हैं नहीं आने का कि कोरोना लेकर के, जिस तरीके से एसएससी जीडी में किया गया, एसएससी जीडी में 3 साल का बच्चों को एज का ग्रेस दिया गया कि इतना दिन जो डिस्टर्ब हुआ उसके एवज में 3 साल बच्चों का एज बढ़ाया जाता है। तो इस बीच में रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का भी बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर रेलवे ये कन्फर्म करती है कि हम 3 साल एज का ग्रेस देंगे, तो वो सारे बच्चे भी दोबारा, चूंकि उनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ एक मार्क से वो मिस किए हैं, तो फिर से एक बार जोर शोर लगा करके दोबारा से तैयारी करने के लिए भिड़ेंगे। लेकिन हमारा इसमें पहला तो एक सिंगल मांग है, क्योंकि एक से अधिक मांग तुरंत हम नहीं अपना रख सकते हैं, एक सिंगल मांग है कि रेलवे न्यू वैकेंसी दो। तो रेलवे न्यू वैकेंसी दो, तो ये सबको, क्योंकि ये मिस अगर आप करते हैं, अगर इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं हो पाता है, तो ये कैंपेन आपका कमजोर पड़ेगा और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब सारे टीचर मिलकर के एक हुए हैं, हालांकि कल 10 से 11 में सारे टीचर एक साथ लाइव भी अपने अपने चैनल पर होंगे, एक साथ लाइव होंगे और वो अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे, आपको देखना भी चाहिए। तो 11 बजे से ट्विटर कैंपेन हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी दो, जिसमें आर कैपिटल, रेलवे में न्यू में एन कैपिटल, वैकेंसी में भी कैपिटल, दो में डी कैपिटल। तो सब स्टूडेंट को पूरी जोर शोर से इसमें लगना चाहिए, क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए कि अभी जिस तरीके से रेलवे का मोड है, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप एक्टिव होते हैं, रेलवे उस पर क्विक रिस्पॉन्स करती है, तो रेलवे भी इस बात को समझ रही है। तो अगर अभी ऐसा प्रॉपर समय है, अभी आप अपना जो उचित आपका डिमांड है, ये सारा डिमांड बिल्कुल ही छात्र हित में है और बिल्कुल उचित डिमांड है, अगर इस डिमांड को ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चय मानिए कि अगर वैकेंसी जल्दी दे देती है तो उससे तो उत्थान होना ही होना है। इसके अलावा एग्जाम कैलेंडर और अन्य इशू पर भी आप बात को रख सकते हैं, लेकिन ये अभियान उसके लिए आपका सफल होना जरूरी है, ये कैंपेन सफल होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और सभी स्टूडेंट से हम गुजारिश करेंगे कि जो भी बच्चे रेलवे का फॉर्म भरते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें इस कैंपेन में, और कल यानी कि 19 दिसंबर को 11 बजे तैयार रहना है सभी को। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, कल 11 बजे, धन्यवाद।